ये हमारे गांव की एक छोटी सी नदी है। हम लोग बचपन में वहाँ से पूरा यहाँ तक ऊपर तक पानी रहता था। अभी पानी बहुत कम हो गया है। रेनी सीजन में पानी ऐसा ऊपर तक रहता है उधर तक, बट अभी फिलहाल कम हो जाता है। मार्च अप्रैल में तो पूरा सूख ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाता है, थोड़ा सा ऐसा रहता है। सो आते थे यहाँ पे, बहुत पुरानी मेमोरीज है, मस्त मस्त। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सौरभ सावंत ब्लॉग्स। सो अपनी साउथ राइड जो है वो हो गई है कम्प्लीट, और मैं आ गया था लास्ट ट्यूसडे को यहाँ पे मेरे नेटिव सावंतवाड़ी में। और जो भी वो जो पूछ रहे इंस्टा पे, मोस्टली इंस्टा पे ये सवाल आ रहा है कि भाई जॉब छोड़ दिया क्या, सो मेरा यही आंसर है कि नहीं। सो सीन ऐसा था कि मेरे पास है ना, मेरी बहुत सारी एनुअल लीव्स बची थी जो यूटिलाइज करनी थी, तो मैंने वो दो वीक्स का मुझे लाइक सैटरडे संडे, क्योंकि वर्कलोड कम था, तो कम वर्कलोड कम था इसलिए सैटरडे संडे ऑफ मिल रहे थे, तो मैंने जो मेरी पेंडिंग लीव्स थी एनुअल लीव्स वो पूरी यहाँ पे यूटिलाइज कर दी। सो सीन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। तो ये वीडियो इसलिए है, अपनी जो साउथ राइड थी उसका मैं रूट बता दूंगा और एक अप्रॉक्स बजट जो मुझे पड़ा है वो बता दूंगा, और कैसे प्लान स्टार्ट हुआ और कहाँ पे एंड हुआ और कैसे राइड सक्सेस हुआ ये चीज़। सो स्टे ट्यून्ड। ये रूट देखने के बाद मोस्टली मुझे बहुत लोग पूछ सकते हैं कि केरला क्यों नहीं किया जो इतना अच्छा एक्सप्लोर करने जाए, बस हाईवे टू हाईवे घुमा। सो बस मेरा एक ही था कि मुझे ना कन्याकुमारी करना है, क्योंकि मैंने लद्दाख कर लिया था, कश्मीर की तरफ घूम लिया था, तो मेरा था कि चलो ये वन शॉट में अगर कन्याकुमारी हो रहा है, डेज एडजस्ट हो रहा था एनुअल लीव्स के साथ, तो वो कर लेते। तो ट्रिप जो था वो अराउंड 10 डेज़ का हुआ मेरे को, टिल मुंबई से लेके कन्याकुमारी जाके रिटर्न गोवा आने तक। रूट स्टार्ट होता है मुंबई में, एंड होता है कन्याकुमारी, पूरा जो साउथ राइड का। सो डे 1 मुंबई टू हुबली, डे 2 हुबली टू मैसूर, डे 3 अगर आपको चाहिए तो आप मैसूर घूम लो, या तो मेरा जो था मैं बता रहा हूँ। सो डे 3 विल बी मैसूर टू ऊटी, डे 4 इन ऊटी, ऊटी एक्सप्लोर करना है, डे 5 ऊटी टू कोयम्बतूर, डे 6 कोयम्बतूर टू मदुराई मीनाक्षी टेम्पल, एंड डे 7 विल बी मदुराई टू रामेश्वरम, डे 8 विल बी रामेश्वरम टू कन्याकुमारी, डे 9 आपका जो भी जैसा शॉट है। मेरा जो था डे 9 पे आए पार्सल में बाइक, वहाँ पे तिरुवनंतपुरम पहुँच गया, कन्याकुमारी टू रिटर्न आई केम टू तिरुवनंतपुरम। डे 10 आई लेफ्ट फ्रॉम तिरुवनंतपुरम, एंड ऑन डे 11 आई रीच्ड होम। सो 11 डेज़ में पूरा अपना जर्नी कम्प्लीट हुआ। अगर आपका लीव्स एंड ऑल अगर ऐसा कुछ सीन नहीं है, आपके पास ज़्यादा टाइम है, तो आप थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर कर लो। जो वहाँ पे उस साइड में घूमने केरला की तरफ भी आप जा सकते हो कन्याकुमारी करके, जो बहुत भारी भारी प्लेसेस है, टेकड़ी है, मुन्नार है। सो देखते हैं, मैं भी कभी आऊँगा, बट मेरे को तो मज़ा नहीं आया। मज़ा आया जस्ट राइड करने एंड ऑल, बट क्या बता यार, क्योंकि मेरे आजू बाजू देख सकते हो ना पीछे, मेरे को तो ऐसे लग रहा था मैं मेरे ही कहीं गांव में गोवा में घूम रहा हूँ या सावंतवाड़ी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। वही नारियल के पेड़, वही सब था। पहाड़ों में जाने का एक अलग मज़ा है कितना भी कुछ। और इस राइड का मुझे जो खर्चा आया, एक्सपेंस है, वो अराउंड 30,000 बोल सकता हूँ, क्योंकि ये टाइम हम लोग डबल सीट थे, एवरेज बाइक का थोड़ा कम मिल रहा था और स्प्लिट हो रहा था हम लोग दोनों में जो भी खर्चा था, बट फिर भी मेरे को अराउंड 30,000, उसमें अपने पर्सनल एक्सपेंसेस रहते हैं, जो घर वालों के लिए कुछ ले लो, गिफ्ट विफ्ट एंड ऑल, तो वो सब लेके मैं कुछ, मुझे अराउंड गया 30,000 एक बजट बोल रहा हूँ, जिसमें पूरा पेट्रोल लगा रहेगा अराउंड 6 to 7,000, 6,000 का पेट्रोल लगा रहेगा, क्योंकि आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट जो है उसकी वजह से एवरेज बहुत कम हो रहा था, और बाइक रोड इतना सुपर्ब है ना यहाँ पे कि नॉन स्टॉप बाइक 90, 100, 110 चल रहा था, तो उसमें कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते ज़्यादा, बाकी सब नॉर्मल था। एंड स्टेज भी आपको अगर पर डे का हिसाब लगाओ ना, तो स्टे का नहीं, ओनली फूड का, लंच डिनर ब्रेकफास्ट और नॉर्मल जो भी स्नैक्स खाते, तो वो हमें अराउंड वहाँ पे खर्चा आ रहा था 1,000 से 1,500 पर डे। मतलब स्टे का तो ऊपर नीचे हो रहा था, कहीं 2,000 में रूम मिलता था, कहीं 1,500, तो वैसे था। सो अराउंड 30,000 रुपीज़ पर हेड पड़ा, मे बी राहुल को, विशाल को कम पड़ा रहेगा, बट मुझे तो अराउंड 30,000 पड़ा। सो दैट्स इट, इतना ही ये वीडियो था, और कुछ रहेगा तो मुझे पूछ लेना कमेंट में, मैं उसको आपको हेल्प आउट कर दूंगा उसके लिए भी हो जाए। सो दैट्स इट, वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, स्टे ट्यून्ड।